हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा विगत 3 माह से जल प्रदाय और मल वहन बोर्ड का विरोध किया जा रहा है। संयुक्त संघर्ष के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत पश्चात आंदोलन का बिगुल बजाया गया था। इसी क्रम में 20 अगस्त को विशिष्ट शासन सचिव प्रथम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान सरकार से जल बोर्ड बनाने के विरोध में आज बुधवार को पीएचडी कार्यालय नर्वदेश्वर महादेव मंदिर शिवाजी नगर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बुधवार को अधीक्षण अभियंता के मार्फत कर्मचारी संगठनों जलदाय कर्मचारियों को सम्मिलित होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चेतावनी भी दी कि विशाल रैली, धरना प्रदर्शन और जल आपूर्ति भी बंद कर दी जाएगी। 5 नवंबर को विशाल रैली में भाग लेने के लिए जल भवन जयपुर पहुंचकर कर्मचारी धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना प्रदर्शन रैलियां जारी रहेगी। जरूरत पड़ी तो जल सप्लाई भी बाधित कर दी जाएगी। इस दौरान रंगलाल प्रजापत, जिला अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत पीएचडी जालौर, सुखराम जिला अध्यक्ष प्रांतिल दल मजदूर यूनियन इंटक पीएचडी राजस्थान जालौर, नारायण सिसोदिया जिला अध्यक्ष राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ पीएचडी जालौर, भोमा राम परमार जिला अध्यक्ष राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ भारतीय मजदूर संघ पीएचडी जालौर, सत्तार खा जोया जिला अध्यक्ष राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तकनीकी पीएचडी कर्मचारी संघ जालौर, सकाराम राणा जिला अध्यक्ष राजस्थान सहकाय कर्मचारी संघ पीएचडी जालौर के जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में सभी कर्मचारियों ने एक राय होकर विशाल धरना प्रदर्शन विशाल रैली के द्वारा विरोध प्रकट किया जाएगा। वहीं जरूरत पड़ी तो शहर की जल आपूर्ति भी बंद कर दी जाएगी। हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एक सोची समझी सरकार की बहुत बड़ी प्लानिंग है, जिससे कर्मचारियों को तहस नहस कर उनका भविष्य अंधकार में किया जा रहा है। अतः इसी के संदर्भ में हम आज श्रीमान अधीक्षण अभियंता महोदय को, सारे कर्मचारी, सारी यूनियने सब शामिल होकर संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में श्रीमान अधीक्षण अभियंता महोदय को के मार्फत मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन भिजवाने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी हमारी बात का समर्थन करेगी और बहुत दूर के विचारों को सोचते हुए इसको यथावत स्थिति में रख देगी, अन्यथा सरकार कर्मचारियों द्वारा बहुत बड़ा निर्णय लिया जाकर जनहित के अंदर, कर्मचारी हित के अंदर हड़ताल की जा सकती है, जल आपूर्ति रोकी जा सकती है और धरने प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किए जा सकते हैं। सरकार को आने वाले जो इसी एक सब्जेक्ट की वजह से आने वाले टाइम में सरकार को बहुत बड़ी जनहानि के साथ साथ चुनाव के अंदर भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर उनको ये सोचे कि भाई हमें चुनाव के अंदर वापस अपनी ये बनानी है, छवि बना के वापस आना है, तो कर्मचारियों के साथ भेदभाव की नीति को छोड़ते हुए उनके साथ लेके और ये इनको ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं इनका हम बहिष्कार करते हैं और हमारे पक्ष के अंदर इनको ध्यान दें। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।